सैया तुमर को घंटा दिखाती, जन्नत में ना दिखाती, अपने बाप को बुलाती। शराबी बिलौटों को घर में ना घुसने दे, मेरी जन्नत पर लन्नत लानत है। कोई है बाहर जो दरवाजा खोल दे तुम्हारी बहन को नमन। जन्नत आंखें खोल के सोरा बिल्ला। मैं कुछ विदेशी लड़कियों से बात कर रहा था ओमेगल पे, अचानक ही रोते हुए मेरे पास आ गया। मैंने कहा कौन बहन का लोड़ा तकलीफ दे रहा है, नाम बता। कहने लगा किसी भी कार्यक्रम में ऐसा तैयार होके जाता हूँ, रोला जमा देता हूँ, लोग टकटकी लगा के देखते हैं मुझे, वहीं कुछ सोशल मीडिया के गंडजलों की गांड जलती है मेरे कपड़े देख के। मैंने कहा घाघरे चोली जैसे कपड़े पहन के जाएगा तो लोगों के बीच में मजाक बन के रह जाएगा, बुरी लग गई बात। पहने हुए जींस ब्लाउज और अंदर के कपड़े उतार के नंगा लेट गया, चादर बिछा के, ऊपर से तेल भी लगा लिया सांडे का। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just... टांगे बड़ी कप कपा सी रही है, देखना कहीं मूत ना निकल जाए, दुम दबा के कल्टी मार ले यहाँ से, नहीं पैरों में घुंघरू बांध के गली नंबर 420 में नंगा नाच कराएंगे मादर चोर। एक तो ये कुरकुरा पैदा करके पटक दिया मेरे माथे पे, हाथ लगा दो तो लाउड स्पीकर चालू हो जाता रहा इस जादे का। खेलता वो तो खेलता मेरे साथ, खेलने की चीज हूं मैं। एक पंजा मार दू तो घिन्नाटी खाकर जमीन पे गिर पड़ेगा, 4 दिन तक होश में नहीं आएगा। खिलौना समझ रहा है मादर चोत। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night. Tangi bong bong, go tangi yong yong, nanga ye. शादी किए 5 साल हो चुके हैं और दिन रात कुत्तों की तरह लगे रहने के बावजूद भी इस बेचारे को संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो गुप्त रोग विशेषज्ञ बाबा बेबुनियाद ने कहा कि मिथिलेश नामक बिल्ले को 9 महीने गोद में झूला झूलाने से समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा जी ये बताना तो भूल ही गए कि झूला झूलते झूलते यहाँ बेंचोद मिथिलेश निपुंसक हो जाएगा। और फिर रिश्तेदारी में बोलेंगे हमारे तो बच्चे ही बदमाश हैं, भोसड़ी के कर्म सुधारो अपने। बच्चे को अगर अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तो माथे पे चढ़ के मूतेगा ही ना, पैरों में गिर के आशीर्वाद तो नहीं ले लेगा तुम्हारा। और अगर तमाम प्रयासों के बाद भी पूत के पांव पालने में दिखे तो भैया भेन चुदान दो दुनियादारी की, पास के किसी घने जंगल में जाकर संन्यास ले लो। चूतिया क्या भोसड़ी के क्यों चिल्ला रहा है? मैं कहना चाह रहा था कुछ खाने का रखा हो तो दे दीजिए, आपने अंताक्षरी चालू कर दी आपकी माँ की। एक आदर्शवादी संस्कारी बहू का काम होता है कि बिस्तर से निकलते ही झाड़ू पोछा करना, सबके लिए चाय नाश्ता लगाना, लेकिन इसका काम है भाई साहब को परेशान करना और वीडियो बना के स्टोरी लगाना। इसकी बीमारी का इलाज भी है मेरे पास, इधर को आ तेरी।